राधे कृष्ण दोस्तों, चाहे आप भक्त हो, साधक हो या वैष्णव हो, आपको इन पवित्रता के नियमों का पालन करना अनिवार्य है, जिससे मन और आत्मा पवित्र ही रहे। इसलिए हमारे शास्त्र में खास वैष्णवों के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, ताकि हम शास्त्र अनुसार चले और शास्त्र विरुद्ध आचरण ना करें। ब्रह्म पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वालों को ना कभी सिद्धि प्राप्त होती है और ना ही शांति प्राप्त होती है, इसलिए चिंतन में उनका मन कभी नहीं लग सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान जी ने स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि का त्याग करता है उसे मैं शांति प्रदान कभी होने नहीं देता। इसलिए मित्रों, भक्ति मार्ग में नियमों का पालन करना अनिवार्य ही होता है। इसलिए हमारे भजन में निरंतरता नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे अपराध होते जाते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से नियम है। मित्रों, ये सारे नियम ब्रह्म पुराण से लिए गए हैं। तो सर्वप्रथम, चरणामृत और प्रसादी कभी झूठी नहीं होती, परंतु उसके पहले आचमन अवश्य करना चाहिए। मान लो मंदिर में प्रसादी आदि प्राप्त हो तो उसमें आचमन की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जब आप अपने घर में प्रसादी आदि पा रहे हो तब आचमन करना आवश्यक है। शुद्ध जल से अपने हाथ पैर मुंह साफ कर ले, उसके पश्चात ही प्रसादी ग्रहण करें। दूसरा नियम है, हमें अपना खुद का भी झूठा पानी कभी पीना नहीं चाहिए। जैसे हम बोतलों का पानी पीते हैं आजकल, थोड़ा अब फिर थोड़ा बाद में, ये सब कुछ वर्जित है, क्योंकि वातावरण उसे अपवित्र करता है और उससे हमारा अंतःकरण अपवित्र होता है। इसलिए एक छोटे पात्र में जितना चाहिए उतना ही पी ले, फिर झूठा पानी ना पिए। बोतलों से गिलास में पानी लेके पानी पिए, सीधा बोतल का प्रयोग ना करे। हमारे पथ पे संसारिक बातें नहीं चलेगी मित्रों, क्योंकि आप वैष्णव हो, भगवत मार्ग के पथिक हो। आप किसी दीक्षाधारी वैष्णव को देखिए ना कि कितनी शुद्ध आचरण से वो सेवा में लगे रहते हैं। तीसरा नियम है, दिन भर बार बार कुछ ना कुछ खाते रहना, ये सब साधकों के लक्षण नहीं होते मित्रों। एक बार बैठ जाओ, फिर जितना खाना है वो खा लो, और खाने से पहले आचमन तथा जयकारे अवश्य लगाए। चौथा नियम है, प्याज लहसुन मांस मदिरा मैसूर की दाल गाजर चाय कॉफी चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक ना इनका कभी भोग लगाना है, ना कभी इसका सेवन स्वयं करना है। जो हमारे संतों ने मना किया खाने को तो मान जाओ। इसलिए नाम जप के साथ शुद्ध गाय का दूध और गाय की घी को भोग में शामिल करो और उसी को खुद भी पाओ। इसके अलावा ब्रह्मचर्य जितेंद्रियता पवित्र चिंतन भगवत नाम पवित्र आचरण, इनमें हमें निरंतर लगा रहना है। पांचवा नियम है, सोच और लघु शंका के समय नाम जप या मंत्र जप भूल से भी ना करे, आचमन करने के बाद ही जप में लगे। छठवां नियम है, पान मसाला तंबाकू सिगरेट गांजा चरस जुआ इन व्यसनों से दूर ही रहे। देखिए, जितना हो सकता है जहां तक हो सकता है उतना तो नियम पालन कीजिए। ये सब करके देख लो, फिर भजन स्वाभाविक ना हुआ तो बताना। सातवां नियम है, भोजन के समय जूते चप्पले नहीं पहनना चाहिए और भोजन से पहले आचमन अवश्य करे। वृंदावन रज को अपने ऊपर छिड़क ले। आप चाहे कहीं भी रहते हो, वृंदावन का रज एक डिब्बी में अपने पास रखे, फिर खूब सांप्रदायों के संतों के जयकारे लगाए और तभी भोजन आदि पावे। इससे आपकी बुद्धि भागवतिक होती जाएगी। इसका एक बड़ा रहस्य होता है मित्रों, ये सब सावधानी हमें रखनी चाहिए। आठवां और आखिरी है, भोजन बनाते वक्त अपने बालों को ढक ले, ताकि भोग में बाल ना गिरे। यदि गिरता है तो आप दोष के पात्र हो सकते हो, इसके अशुभ परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं और ऐसे दोष लगते हैं, इसलिए सावधान रहे। अभी के लिए इतने ही नियम है, आगे पुराणों द्वारा हमें और पता चले तो वो नियमावली भी जारी कर दी जाएगी। आपको बस सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहना है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।